वसूली हो रही है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा। या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूँ। ये भाड़े के पहलवानों के सारे समाजवादी को चलाना बंद कर दे तो शायद संविधान पढ़ना शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में मेयर पद के लिए काजल निषाद को मैदान में उतारा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। वहीं चुनाव के हारने के बाद काजल निषाद ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और खुद को खत्म कर लेने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने काजल द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के काउंटिंग स्थल पर किए गए बवाल पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा नेत्री काजल निषाद नहीं है, निषाद वो होता है जो निषाद कुल में जन्म ले। सिर्फ निषाद लिख लेने से कोई निषाद नहीं हो जाता। कुछ जगहों पर कमी रह गई होगी, निश्चित रूप से कुछ जगहों पर हमें हार मिली है, लेकिन हम ज्यादातर जगहों पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं इसके वजह से। और दूसरा, सारे नगर निगम जो है बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे हैं, और नदियों के किनारे एक तो मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है। और अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न मनाती है। देखिए, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में रामायण में लिखा हुआ कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी मांग होती है। तो जैसा इन लोगों की सरकारें रहे 30 साल से, उनको लगता है उनके समय में ऐसा रहा होगा। आज के दिन में चुनाव आयोग चुनाव करता है, व्यक्ति नहीं करता है, और कोई मिशनरी नहीं करती है। अगर चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो आपको, अगर चुनाव आयोग की उंगली उठाते तो जहां जीते हैं वहां छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग गलत है और हम उनको जितवा दिया है। तो अगर आप जहाँ जीते हो चुनाव आयोग के अनुसार उसे नहीं कहते कि नहीं हम गलत हैं, दूसरे के ऊपर आरोप में काम करें। मैं यही सलाह दूंगा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री रहे हैं और नेता हैं, मैं इतने ही हूँगा। समाजवादी पार्टी जिस काम के लिए बनी थी, जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, उस पर वो संघर्ष करें और उन कार्यकर्ताओं, उस समाज के लिए, उस समुदाय के लिए जिन लोगों ने उस पार्टी को खड़ा और बड़ा किया था, समाजवादी पार्टी को, उसमें अखाड़े का पहलवान पैदा करें। ये भाड़े के पहलवानों के सारे समाजवादी को चलाना बंद कर दें तो शायद सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब तक ये भाड़े के पहलवान रहेंगे उनके साथ, तब तक उनको 2014 से लगातार देखो, 2014 से भाड़े के पहलवान उन्हें हरा रहे हैं, 2017 हरा रहे हैं, 2019 हरा रहे हैं, 2022 हरा रहे हैं, अभी देखो निगम ने 2023 भी हरा दिया। कौन है सर ये भाड़े के पहलवान? ऐसे जितने भी हैं जो कांग्रेस से हैं, सपा के हैं, बसपा से हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, वो अपना है, वहाँ भी मलाई खाते हैं, वहाँ जलेबी खाते हैं, यहाँ भी चले आते हैं। उनका तो एक ही काम है कि घूम कर इस तरीके का। और भाड़े के पहलवानों से देश में बड़ा नुकसान हो रहा है। गोरखपुर आपका गृह क्षेत्र है, काजल निषाद ने वहाँ भ्रष्टाचार करो। पहले तो निषाद है नहीं, यही तो कह रहा है ना कि भाड़े के पहलवान लाते हैं कभी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।